नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। इन दिनों आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है और यह सीरीज 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण थी। यह सीरीज तय करती कि कौन सी टीम आठवीं टीम होती वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफाई करने वाली। आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच 9 मई को 3 वनडे मैच की सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, लेकिन इस मैच में बारिश ने आकर आयरलैंड का काम बिगाड़ दिया है और यह मैच रद्द करना पड़ा। इस मैच के रद्द होने की वजह से आयरलैंड को भारी नुकसान हुआ है और वह वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई है। जहां आयरलैंड के लिए यह दुख की बात है, तो वहीं साउथ अफ्रीका, जो कि इस सीरीज का हिस्सा भी नहीं है, वो बैठे बैठे 2023 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली आठवीं टीम बन गई है। आपको बता दें कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा और इसके लिए सुपर लीग की टॉप 8 टीमें क्वालिफाई करने वाली थी, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम 8वें स्थान पर थी और साउथ अफ्रीका को वहां से हटाने के लिए आयरलैंड को बांग्लादेश के खिलाफ ये वनडे सीरीज 3-0 से बिना किसी पेनल्टी पॉइंट के जीतनी थी। अगर आयरलैंड ऐसा कर पाती तो उसके और साउथ अफ्रीका टीम के बराबर अंक हो जाते। ऐसे में फिर बात आ जाती रन रेट के ऊपर, जिसका रन रेट ज़्यादा बेहतर होता वो क्वालिफाई करता, लेकिन पहले ही मुकाबले में बारिश ने आयरलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हालांकि आयरलैंड अब भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें जिम्बाब्वे में होने वाले क्वालिफायर राउंड में खेलना होगा। 2023 वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करने वाली टीमें हैं भारत, जो कि होस्ट है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अब दक्षिण अफ्रीका। वहीं क्वालिफायर राउंड में 10 टीमें आपस में भिड़ेंगी, जिसमें वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, ओमान, नेपाल, यूएस और यूएई की टीमें हैं। इन 10 टीमों में से 4 टीमें वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी। यह क्वालिफायर राउंड 10 जून से जिम्बाब्वे में खेले जाएंगे। अब देखना होगा कि इन 10 टीमों में से वो टॉप 4 कौन सी टीमें होंगी जो वर्ल्ड कप में अपना स्थान पक्का कर पाती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।